सुझावों के बाद में एक राय होकर के जो निर्णय हुआ, हम लोग 21, 22, 23 तीन दिन हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक करेंगे। वहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भी पदाधिकारी इंचार्ज होगा वो वहां बैठक में जाएगा, उपस्थित रहेगा, और हम वहां पर जो भी आवेदन करने वाले हैं वो आवेदन हम लोग लेंगे। वो तीन दिन के बाद में 21, 22, 23, 24 तारीख को वो सारे के सारे आवेदन जिला कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रोसीडिंग जो हुई है उसके साथ में भेजे जाएंगे। 24, 25, 26, 27 तीन दिन हमारे जितने भी पीसी के मेंबर साहिबान हैं वो दो दो का ग्रुप बना करके हम लोग जिलों में भेजेंगे। दो दो तीन तीन जिले उनको दिए गए हैं, वो तीन दिन में या हो सके तो एक आधा दिन और ले सकते हैं। तमाम जिलों के जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जाएंगे, वहां पर भी अगर कोई आवेदन देना चाहेगा तो जिला कांग्रेस कमेटी को आवेदन दे सकता है, और अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी कोई आवेदन देगा तो वो दे सकता है। हम लोग वहाँ पर जो भी आवेदन का एक फॉर्म जारी करेंगे, उसके साथ में हम उनसे काफ़ी कुछ डिटेल्स मांगेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की, उसको भी उसको देना होगा। और वो सारे आने के बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पीसी के मेंबर साहिबान हैं वो अपनी राय के साथ कम से कम तीन और ज़्यादा से ज़्यादा पांच लोगों के बारे में अपनी राय के साथ में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। फिर हम लोग पीसी के अंदर चर्चा करके और एक राय बना करके और सीसी के अंदर हम हमारी बात रखेंगे, जो सीसी के मेंबर हैं और चेयरमैन साहब गोगोई साहब 28, 29, 30, 31 चार दिन वो राजस्थान में रहेंगे दोनों अपने साथी मेंबर साहिबान के साथ में, और उनका स्टेट लेवल पे होगा या संभाग स्तर के ऊपर वो जाना चाहेंगे, जैसा उनका विचार होगा जैसा उनको व्यवस्थाएं हम देंगे। वहाँ पर भी महत्वपूर्ण नेताओं से कार्यकर्ताओं से वो अपना फीडबैक लेंगे, और उसके बाद में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और बैठक के बाद में हम लोग आगे प्रक्रिया में कैंडिडेट सिलेक्शन में आगे बढ़ेंगे।